अभी मेरे पीछे साइड में जो नौला देख रहे हैं, इस नौले का निर्माण 1272 ईस्वी में ही कराया गया था और ये बहुत ज़्यादा पुराना है। देख सकते हैं आप, ये उस समय पानी का मेन सोर्स हुआ करता था और इसी नौले से पानी पिया करते थे लोग। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है मंदिर। दोस्तों अभी हम लोग बालेश्वर मंदिर के अंदर जो चंपावत में है, और अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर 1272 ईस्वी में बनाया गया था चंद शासकों के द्वारा, और उस 1240 ईस्वी में इस मंदिर का रिनोवेशन किया गया ध्यानचंद के द्वारा। क्योंकि ये जो मंदिर है, ये मंदिर बाली को और भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में बाली ने भगवान शिव के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम बाली प्लस ईश्वर यानी कि बालेश्वर हो गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और चीज देखने के लिए हमें मिलती है। अच्छा भक्त, हाँ भक्त, जय हो, जय हो शिव शंभु, जय हो शिव शंभु। और देखिए आप लोग बालेश्वर मंदिर की खास बात देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को काट के किस तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं इंसानों के द्वारा। ये सब इतने ज्यादा खतरनाक है, इतने ज्यादा सुंदर दिख रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसे देखने में। और आप सोच सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर होंगे वो किस लेवल के होंगे कि उन लोगों ने बड़े से पत्थरों को काट काट के ऐसी आकृतियां बना दी है। आप सोचिए कि इसमें अगर जलाशय में गलती हो जाती है तो पूरा पूरा काम बेकार हो जाता, पूरा पूरा पत्थर बेकार हो जाता। लेकिन उन लोगों ने इस काम को कितनी शिद्दत से किया होगा और कितना टाइम लगा होगा इस काम को करने के लिए, आप देख सकते हैं लगभग पूरा पूरा मंदिर एक एक पत्थरों को काट के बना दिया गया है। और आप लोग मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं ये पुराने जमाने का शिवलिंग बना हुआ है, ये देखिए कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। हर एक यहाँ की जो आकृति है उसका एक ही सबसे बड़ा मतलब आपको गुणवत्ता देखने के लिए मिलेगी कि वो सिंपल एक स्टोन को काट कर ही बनाई गई होगी। गजब चीज़ है यार, गजब की कारीगरी थी यार पहले ज़माने की। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के बारे में सुना होगा, जिस मंदिर में बहुत सारी आकृतियां ऐसी बनी हुई हैं जो एक्शन ऑफ लाइफ को प्रदर्शित करती हैं। तो इसी तरीके से ये जो बालेश्वर मंदिर है इसमें भी कुछ ऐसी आकृतियां और मूर्तियां इस मंदिर की दीवारों पर दर्शाई गई हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी लगती होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप लोग मतलब खजुराहो के मंदिर के बारे में जानते हो तो कुछ लोग की ये भी राय है कि वहाँ पर बहुत सारी मतलब कामुक चीज़ों को दिखाया गया है, लेकिन असल में वहाँ पर मतलब जो इंसान की पूरी लाइफ होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करता है, जैसे कि खेती करना हो गया, जैसे कि बच्चों को पालना हो गया, जैसे कि जानवरों को पालना हो गया, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जीवन की, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो जो लोग होते हैं अजीब अजीब सी बातें करते हैं वो लोग
उन सारी क्रियाओं को ना देख के सिर्फ कुछ ही जो जीवनी क्रियाएं होती हैं उन पे ही बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए चीज़ों को देखने का, तभी हमारी सोच बदल सकती है। अभी हम लोग जिस हिस्से में खड़े हुए हैं मंदिर के, वो हिस्सा मंदिर का मेन हिस्सा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विशाल बनाया गया है इस हिस्से को, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बड़े आराम से कि जो बड़ा सा एक पत्थर है उस बड़े से पत्थरों को काट के देखिए कितनी खतरनाक आकृतियाँ बनाई गई हैं। बहुत ही गजब का यार मंदिर बनाया गया, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। और यार जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो गई, बहुत तेज तेज से बारिश होने लग रही है। अगर दोस्तों मैं इस स्ट्रक्चर की एक खास बात आपको बताऊं, तो इस स्ट्रक्चर की एक खास बात यह है कि इस स्ट्रक्चर में कहीं भी किसी भी बॉन्डिंग वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे कि सीमेंट हो गया। सीमेंट तो फिलहाल उस जमाने में होता ही नहीं था, चूना वूना होता था उस ज़माने में, लेकिन चूने भी जैसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिंपल थी, मतलब जो पत्थर होते हैं पत्थरों को काट काट के उनके ब्लॉक बना के फिर उसके बाद एक जैसे हम पजल को जोड़ते हैं उस तरीके से जोड़ जोड़ के इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो पहले की जो इंजीनियरिंग, पहले की जो वास्तुकला, सब कुछ बड़ा ख़तरनाक हुआ करता था। आज तो शायद ऐसी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसी चीज़ें बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये आप लोग यहाँ पर किनारे पर रखी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं, देखिए कितने सारे यहाँ पर। अब पूरी तरीके से मंदिर मतलब टूट फूट चुका है ना, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे देखने के लिए मिलनी होंगी। और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को इसका रिनोवेशन करवाना चाहिए। आप देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे आप एक स्टोन देख सकते हैं जिस स्टोन पे पुराने ज़माने की भाषा में शायद कुछ लिखा हुआ है, शायद इस मंदिर के बारे में, इस टेम्पल के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई होगी। आप यार इमेजिन कर सकते हैं कि 1272 ईस्वी में बना हुआ टेम्पल और आज किस हालत में है, गजब है यार। और वैसे इस टेम्पल को अभी बहुत ज़्यादा रिनोवेशन की ज़रूरत है, और बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी एंशियंट साइट होती हैं और प्रिजर्व साइट होती हैं इनको अब हमारी गवर्नमेंट को संरक्षित करना चाहिए। और बालेश्वर मंदिर के पास में एक और हनुमान जी का नया टेम्पल बना दिया गया है। आप देख सकते हैं हनुमान जी का नया टेम्पल जो बालेश्वर मंदिर के जस्ट पक्के ही बनाया गया है। जय बजरंगबली। दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आइए और इस ऐतिहासिक टेम्पल का एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि ये टेम्पल अपने आप में बहुत सारी धरोहरें संजोए हुए बैठा हुआ है। तो आइए और आके विजिट कीजिए। तो नमस्कार, मिलेंगे हम कभी और फिर।